गांव कांग्रेस द्वारा वार्ड नंबर 58 में राम मंदिर परिसर के रोलेक्स हॉल में आयोजित मोहब्बत की दुकान का कार्यक्रम रखा गया, जिसमें राम मंदिर परिसर के बालवाड़ियों के नूतनीकरण का उद्घाटन एवं विद्यार्थियों को मुफ्त स्कूल बैग, सफाई कर्मचारियों को बरसाती रेनकोट, मुख्य अतिथि मुंबई कांग्रेस अध्यक्ष वर्षा गायकवाड़ के हाथों से दिए गए। इस कार्यक्रम में कांग्रेस के जाने माने चेहरे यानी राजनीतिक तौर पर मुंबई के पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष संजय निरुपम, पूर्व कैबिनेट मंत्री असलम शेख, गणेश यादव, युवराज मोहिते और क्लाइव डायस जैसे बड़े चेहरे इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। वही आयोजक मनोज यादव द्वारा बालवाड़ी कितनीकरण का उद्घाटन मुंबई कांग्रेस अध्यक्ष वर्षा गायकवाड़ के हाथों किया गया। उसके बाद रोलेक्स बैंक्वेट हॉल मोहब्बत की दुकान में बच्चों को जूस और चॉकलेट खिलाए गए। मैं बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी मनोज यादव जी का, जो हमारे यूथ कांग्रेस के पदाधिकारी हैं, और जिस तरह से इन्होंने जो हमने कार्यक्रम शुरू किया है मुंबई में राहुल जी के जन्मदिन के अवसर पे 19 जून से मोहब्बत की दुकान के माध्यम से अलग अलग कार्यक्रम करें, आज इनके माध्यम से 13 आंगनवाड़ी का रिपेयरिंग हो, कलरिंग हो, फैन का कार्यक्रम हुआ है। आज मैं धन्यवाद दूंगी हमारे प्रगति ताई का, हमारे युवराज भाव का भी, मनोज भाई के साथ मिलकर यहाँ पे एक मोहब्बत की दुकान भी खोली है, जिसमें हम सब बच्चों को और जो महिलाएँ आई हैं उनको फूल जो है वो चॉकलेट और उस तरह जूस का भी वहाँ पर वाटप हो रहा है। हमारी कोशिश यही है कि जिस तरह से अभी राजनीति चल रही है, जिस तरह से आप देख रहे हैं कि वातावरण फैला है कि महाराष्ट्र में अलग अलग जगहों पर दंगे का माहौल है, कई आपने देखा मुंबई में भी कई जगह पैसा माहौल करने का कोशिश हुआ है, उसको अगर हमको सबको साथ में मिलकर सोल्यूशन निकालना है तो मोहब्बत के दुकान के सिवा और कोई सोल्यूशन नहीं हो सकता, ऐसा हमारा मानना है। और इसलिए हम जगह जगह प्यार फैलाने का काम कर रहे हैं, लोगों को जोड़ने का काम कर रहे हैं। राजनीति विचारों की होती है, राजनीति एक निष्ठा की होती है, और हम समझते हैं कि हम वो राजनीति करते हैं। और कांग्रेस पार्टी की विचारधारा यही है कि मुंबई सबको एक्सेप्ट करती है, सबको रोजी रोटी देती है, उस मुंबई को अच्छा रखे, मुंबई के सवालों पर आंसर। अचानक ये राजनीतिक उथल पुथल होता है और आपकी राजनीतिक सरकार, उसमें एक पहिया कम हो जा रहा है, तो उसके क्या कहना चाहिए कि ये सरकार किस तरह से? देखिए ऐसा है कि जैसा मैंने कहा कि राजनीति विचारों की राजनीति होती है, दुर्दैव से बीजेपी और आरएसएस की राजनीति जो है वो पूरी तरह से जो है वो सत्ता ग्रही राजनीति है। सत्ता पाने के लिए वो लोग कोई विचारधारा नहीं रखते, सत्ता पाने के लिए वो कोई निष्ठा या कोई धर्म नहीं रखते, वो सिर्फ यही कोशिश करते हैं कि हमें सत्ता कैसे मिले। और जो लोग भी समझ रहे हैं कि राजनीति जिस तरह से चल रही है कि जिनके साथ जम नहीं रहा था, जिनके साथ बैठने का काम हो रहा है, लेकिन ये राजनीति नहीं है। लोग अभी बहुत होशियार है, लोग समझदार है, लोग समझ रहे हैं कि इस तरह से राजनीति से जो है वो गंदी राजनीति करने का काम चल रहा है, उसके प्रति लोगों का बहुत जो है रोष है। और मुझे लगता है आने वाले दिनों में लोग समझ गए कि बीजेपी के खिलाफ अगर कोई पार्टी लड़ सकती है तो कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस यूनाइटेड है और कांग्रेस के वर्कर लॉयल। हमारे इस विभाग के नौजवान नेता मनोज यादव जी के देख रेख में टीम ने आज बहुत ही सुंदर कार्यक्रम यहाँ पे आयोजित किया। जो बच्चे हैं उनको बैग दिया गया, और जो आंगनवाड़ी सेविकाएं हैं उनकी भी सेवा की जा रही है। तो निश्चित तौर पर इस तरह के कार्यक्रमों से एक जनसंपर्क होता है और जो जरूरतमंद लोग हैं उनकी सेवा हम करते हैं, और कांग्रेस पार्टी यही सिखला सेवा का भाव आपके अंदर होना चाहिए। जितनी सेवा करेंगे उतनी मेवा मिलेगी, तो जितनी सेवा करेंगे उतने लोग आपसे जुड़ेंगे। आ जाओ ठीक है, और बताओ। मैंने तो बताया ना आपको, मैंने बताया ना कि जब और लड़कियों की शादी होती है तो आशीर्वाद देते हैं, अखंड सौभाग्यवती हो। ऐसा लगता है कि अजीत पवार को ऊपर वाले ने आशीर्वाद दे रखा है कि अखंड उप मुख्यमंत्री होइए। उप मुख्यमंत्री 5 बार काय के लिए ईडी के डर से, सीबीआई के डर से, आईटी के डर से, और बहुत पहले कहा गया है जो डर गया सो मर गया। तो डरना नहीं है, अपोजिशन की यूनिटी बहुत अच्छी बन रही थी, वो यूनिटी और भी बन गई, और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी की जो सरकार है उसको रोका जाएगा अगले लोकसभा चुनाव। सेवा करना था, हम हर साल सेवा करते हैं ऐसे लोगों की। हमारे वहाँ 32 इमारतें हैं जिसपे 32 इमारतों में 64 बालवाड़ियाँ हैं जिसके तरफ सरकार की कोई दृष्टि नहीं है, और बड़ी बुरी परिस्थिति थी उसकी। हमने लोगों की सेवा करने के माध्यम से उन 64 की रिपेयरिंग करवाई और उसको कलर किया और उन्हें फिर आंगनवाड़ी सेविकाओं को सौंप दिया। अब वो वहाँ पर लोगों की सेवा करेंगी। और हमने ये बैग, यहाँ बहुत ही गरीब वर्ग के लोग रहते हैं, शायद कितने लोग बैग भी अफोर्ड नहीं कर सकते, तो हम ये बैग देके एक सेवा करने की कोशिश की, हमने लोगों तक पहुंचने की कोशिश की। और हमारे फेरी वाले भाई हैं जो बारिश हो, धूप हो, ठंडी हो, चाहे कुछ भी हो, बेचारे खड़े रहते हैं, तो उनको एक रेनकोट देके हमने एक छोटी सी सहायता करने की कोशिश की है। बहुत छोटी सहायता है,
इसका कोई उनकी मेहनत पे मेहनत के मुकाबले कुछ नहीं है ये। ये नगर सेविका का चुनाव 1.5 साल लेट हो चुका है। मैं 16 साल से लोगों के लिए कर रहा हूँ। 16 साल में ना मैंने कोई चुनाव लड़ा है, ना चुनाव टिकट की इच्छा की है। जब चुनाव आएगा तब देखेंगे। विपक्षी आपसे इतना डरते क्यों? डरते मैंने कोई डराया नहीं, मैं मेरा काम कर रहा हूँ। मैंने अभी किसी के ऊपर उंगली नहीं उठाई कि ये क्यों नहीं करता, मैं क्यों करता हूँ, मैंने कहीं नहीं बात किया ये सब। कार्य मतलब करते जाएंगे लोगों की सेवा, कोई ये प्लानिंग नहीं है। जैसे लोगों को हमारी ज़रूरत लगे हम लोगों के साथ रहेंगे। UCC ये बड़े लोगों की राजनीति है, उनमें रहने दीजिए, हमें मत लाइए। हमें लोगों के साथ प्यार से रहने दीजिए। राहुल जी ने मोहब्बत बांटने बोला है, हम मोहब्बत बांट रहे हैं। अब नफरत की बात मत कीजिए। ये मोहब्बत की दुकान है, हम प्यार बांट रहे हैं लोगों को, इसे ही दुकान कहते हैं मोहब्बत की। लोगों को बैग देना, लोगों के साथ तकलीफ में खड़े रहना, यही मोहब्बत बांटना हुआ। हमने यहाँ किसी का जात देख के कोई कूपन नहीं बांटे, ना रंग देख के कूपन बांटे कपड़े के। हमने जो हमारे पास आया हाथ खोल के उनकी मदद की है। यहाँ पे एक व्यापारी वेलफेयर एसोसिएशन करके 125 लोगों का यूनियन है, उनके 125 लोगों को हमने विंडशीटर यानी रेनकोट बांटे हैं, और लगभग 600 बच्चों को हमने ये बैग्स हमने बांटे हैं, और 13 बालवाड़ियों को हमने पूरी तरह से मरम्मत करके वापस से उन सेविकाओं को सौंपा है लोगों की सेवा करने के लिए। आने वाला चुनाव अगर पार्टी हमें बोलेगी लड़ने के लिए, लड़ेंगे और अच्छा लड़ेंगे, इच्छा है। ये कैसे कह सकता है, ये तो जनता है, यहाँ पे जनता थी, आपने देखा है, जनता हमारे साथ है। जिता दी तो जिता दी, नहीं जिताई तो ये तो आप लोग मीडिया वाले हमसे ज़्यादा जानते रहोगे। हमको तो हमारी पार्टी की हवा दिखती है।